कबीरधाम जिले के एक ऐसे गांव जहां आजादी के 75 साल बाद भी गांव के लोगों को बिजली, पानी व सुगम सड़क की सुविधा नहीं मिली है। यहां लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें, इस गांव को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, जहां 35 बैगा परिवार के लगभग 200 लोग रहते हैं। हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिले के सारू गांव, जो बोड़ला ब्लॉक के पंडरी पानी पंचायत में है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यह गांव घोर नक्सल क्षेत्र में भी आता है। आपको बता दें, गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, गांव में बिजली का अभाव है, सोलर बिजली के सहारे कुछ घंटे ही बिजली मिल पाती है और गांव में मात्र एक हैंडपंप है। खराब होने पर लोग नदी व झीरिया का पानी पीते हैं। सबसे बड़ी समस्या है, गांव तक बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए गाड़ी नहीं पहुंच पाती। तबीयत बिगड़ने पर बीमार व्यक्ति को चारपाई में उठाकर ले जाना पड़ता है। गांव के लोग आज भी झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें आज भी पक्का मकान नहीं मिला है। यहाँ के लोग कई वर्षों से गांव की विकास को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। जैसे कोनो बीमार पड़त हुई तो फिर कहा जाता है, सुई लगवाए ला झलमला कामा जाता है आए हेरेगा दखल जाता है। कते दूर है झलमला? यहाँ गजब दूर है, जौन पानी को पार है। तो गाड़ी मोटर के का व्यवस्था कुछ है जाया जाके? नहीं है। यहाँ के विधायक कौन है? आए अच्छा, कब से रह रहे हैं इस गांव में आप? ये गांव में हमार आजा दादा पीढ़ी बीत गए। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं, सड़क की भी व्यवस्था नहीं है बाबू। तही आप भी अपन लोग जावे तब समझ ल पा जाबे। पानी को लेकर क्या? पानी बिल्कुल अभी देश वाले आयस नहीं, मौका मुही जाथन पानी, ये नीचे उतरा था। तो किससे भरते हैं पानी, किससे भरते हैं आप? अभी हाँ अभी बोर के पिया था। अच्छा, और वो बिगड़ गए तो वो गए फिर। तो फिर कहाँ से पीते हैं पानी? नदिया से, नदी से। हाँ। बरसात अभी तो सौर ऊर्जा है, बरसात में फिर? बरसात में भर का डबरक लगा लग खाल पी लेते, काय करबे ज्यादा समस्या मां। तो बिजली की व्यवस्था दिक्कत बताते हैं, बिजली रोड के समस्या है। हाँ। पानी के काम, पानी के घाले के ठन है, रतार रतार करके भर थन। और बाकी समय में बरसात में कहाँ पानी पीता? बरसात में यहाँ नहीं निकले तो फिर नदिया जाता है। अच्छा, नदिया। और जो है बिजली घर में लाइट जलता है? हाँ जलता है, 24 घंटा नहीं जला, रात में चलते, दिन में नहीं रहता। अच्छा, गांव में रोजी रोजगार के का साधन है आप मन के? का कुछ काम धाम खुले है? अब जंगल काम के सिर्फ मन के खुले छे अखर तो। कतका दिन काम करे जंगल में? वो महीना दिन से ही करी नहीं अभी तो फिर बंद हो गई से। अच्छा, ये बताओ अभी गांव में हमन देखत रहे ना, आप बहुत दूर से पानी लात रहे हो। हाँ। कहाँ से लात रहे हो पानी? ऐसे गड्ढा ले फिर जल्दा। अच्छा, पानी की व्यवस्था नहीं है गांव में? अच्छा, लाइट भी नहीं है? बता दी लाइट भी नहीं है, सूर्य वाले ए लखे ना। अच्छा, अच्छा गांव में काम धाम के जो है का व्यवस्था है? काम अभी नहीं है, अभी काम चलत रही तीन बंद कर दी। का काम चलत रही? अय्या ए का गड्ढा का थे। अच्छा, पैसा मिल गई से? आने दे है। नहीं मिले है? चावल मिलते आप मल्ला सोसाइटी ले? हां मिलते, हर महीना मिल जाते। हां। अच्छा, 20-25 साल हो गए। अच्छा, तो आवास नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है। कितने सदस्य हैं घर में? घर में यहाँ हम लोग कितना है, और 12-13 लोग हैं। अच्छा, पानी की क्या स्थिति है गांव में? पानी का साधन नहीं है। तो कहाँ से पीते हैं पानी? नाला से पीते हैं। अच्छा, बिजली की क्या है व्यवस्था? बिजली के सूर्य वाला है, चलता है, कभी कभी बरसात में जला भी नहीं। बरसात में नहीं चलता है? हाँ। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क भी पूरा देखना क्या पड़ा है। अच्छा, आप साधन ही नहीं है, युवा हो, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं? सरकार ने बोलते हैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा बोलता है, अभी तक से नहीं बनवाया है। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं मिलने के लिए आप लोगों से? नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। यहाँ न रोड है, न बिजली है, न पानी है। समस्या यहाँ खड़ा हुआ है कि हमको ऐसा मजबूरी में फंसा दिया कि घर घर नल योजना की तहत योजना सरकार चला रहा है, लेकिन इस गाँव में न ही बिजली है न पानी। कैसे गाँव के लोगों का जो है जीव को? ये नाला से पानी भर रहे हैं, 3-1.5 किलोमीटर नाला जा रहे हैं, वहां से पानी भर रहे हैं। एक ठो बोर है 1997 का बोर है, वो भी उसके बाद पीएचडी विभाग में कई ठो आवेदन लिखा मैं कि इसी बोर को दोबारा सोर्स किया जाए, पर पीएचडी विभाग न कलेक्टर, यहाँ कलेक्टर गुप्ता जी थे संभवतः,
उसका पूरा पूरा पता नहीं है, लेकिन गुप्ता जी थे उसको भी बुलवाया था, एसपी नया एसपी आया था एक लंबा चौड़ा था उसको भी बुलवाया था, उसके बाद भी यहाँ बन जाएगा, नहीं बना। अच्छा, गाँव में रोजी रोजगार का क्या है, विभाग पंचायत जो है किस प्रकार? गाँव के लोग तेंदू हर्रा बहरा तोड़ के अपना जीवन व्यापार करते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।